हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7th की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट 23 करेंगे। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 7 अक्टूबर 2021। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कुमार क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट बच्चों। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे द डेजर्ट के बारे में, ठीक है। तो मैनी पीपल बिलीव डैट डेजर्ट आर द लैंड ऑफ सैंड डैट हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ एनिमल एंड वाटर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो डेजर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो मिट्टी से भरे हुए भूमि होती है जिसमें जो एनिमल्स और वाटर की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, मतलब वहाँ पे एनिमल और वाटर नहीं मिलता है। बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट इंटायरली करेक्ट बिकॉज इट कैन बी ब्यूटिफुल प्लेस विच इज़ ए होम ऑफ टू मैनी पीपल एनिमल एंड प्लांट डैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। लेकिन जो ये डेफिनेशन है कि वहाँ पर जो एनिमल है वाटर बहुत कम होता है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि जो डेजर्ट है वो भी क्या है, होम है बहुत सारे लोगों का, एनिमल्स का और प्लांट्स का, जिन्होंने अपने आप को उस गर्म और ड्राई कंडीशन में रहना अपने आप को सिखा लिया है या सीख गए हैं। डेजर्ट आर इम्पोर्टेंट हैबिटेट फॉर मैनी स्पीसीज। जो डेजर्ट है वो बहुत सारे स्पीसीज के लिए रहने का स्थान है। ए डेजर्ट इज जनरली विदाउट वेजिटेशन एंड वाटर। जो डेजर्ट होता है वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा विदाउट वेजिटेशन, मतलब जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं पाए जाते और जहाँ पर कोई वाटर नहीं होता, वो ऐसा होता है जहाँ पर नहीं होता, ठीक है, मतलब वेजिटेशन वाटर वहाँ पर बहुत कम होता है। प्लांट एंड एनिमल ऑफ डेजर्ट कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर। जो डेजर्ट में प्लांट और एनिमल होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि कम वाटर में भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं। हाउएवर मैनी अदर एनिमल्स एंड प्लांट कैन नॉट सर्वाइव इन डेजर्ट। लेकिन जो दूसरे प्लांट और एनिमल होते वो डेजर्ट में जीवित नहीं रह सकते। डेजर्ट होल्ड ए सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन द ग्रेट प्लान ऑफ नेचर। डेजर्ट का भी अपने आप में एक नेचर में बहुत बड़ा योगदान है। डेजर्ट में समटाइम हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। डेजर्ट के अंदर क्या होते हैं, माउंटेन्स भी होते हैं बच्चों, हिल्स भी होती हैं। इट मे हैव एन ओसिस आल्सो, इसके अंदर एक ओसिस भी हो सकता है। एंड ओसिस, ओसिस क्या होता है, ओसिस इज ए प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज ए वाटर एंड प्लांट कैन ग्रो। तो ओसिस वो स्थान होता है जहाँ पर प्लांट और वाटर के यहाँ पर, मतलब जहाँ पर पानी होता है और जहाँ पर जो प्लांट है वो ग्रो कर सकते हैं। ए डेजर्ट कैन बी हॉट लाइक द थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। जो डेजर्ट है वो गर्म भी हो सकते हैं जैसे कि थार है, और वो ठंडा भी हो सकता है जैसे कि लद्दाख। ये दोनों क्या है बच्चों, डेजर्ट है। इन जनरल व्हेन ए प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल कॉल इट इज ए डेजर्ट। लेकिन आमतौर पर लोग क्या करते हैं, जहाँ पर बहुत कम पानी होता है और जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में वेजिटेशन होता है, तो पीपल उसको डेजर्ट कहते हैं। सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन दो डेजर्ट विच आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। तो यहाँ पर जो है सैंड की, मतलब मिट्टी के ड्यून्स पाए जाते हैं। ड्यून्स क्या होते हैं, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, वो भी पाए जाते हैं जो कि विदाउट पानी की होती है। दिस ड्यून कीप ऑन शिफ्टिंग अक्रॉस द डेजर्ट। ये जो सैंड ड्यून्स होती है डेजर्ट में इधर से उधर शिफ्ट होती रहती है, मतलब जो मिट्टी का ढेर इधर है, थोड़े टाइम के बाद ये मिट्टी का ढेर उड़ के इधर भी आ जाता है। एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड एन एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर फॉर देयर एग्जिस्टेंस। जो एनिमल होते हैं जो डेजर्ट में रहते हैं, उन्होंने अपने आप को इस प्रकार बना लिया कि उनको अब जीने के लिए कम से कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। कैमल द शीप ऑफ डेजर्ट कैन डू विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज। जो ऊँट होता है उसको हम डेजर्ट का शिप बोलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज कैमल कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर इन वन गो एंड कैन लॉस वेरी लिटिल वाटर एज दे हार्डली स्वेट। तो जो ये इसलिए कर पाते हैं कैमल, क्योंकि वो क्या है, एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं और बहुत कम पानी वो मतलब मल के रूप में बाहर निकालते हैं, क्योंकि उनके पास पसीना बहुत ही कम आता है, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं शिप ऑफ डेजर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। वट इज़ द जनरल परसेप्शन ऑफ मैनी पीपल अबाउट डेजर्ट। बहुत सारे लोग डेजर्ट के बारे में अपनी क्या सोच रखते हैं, तो लिखते हैं इसमें, तो इसमें आप लिखेंगे इन जनरल, ठीक है, यहाँ से लेकर आते यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ठीक है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, वट सिग्निफिकेंट रोल डू हैव डेजर्ट इन ग्रेट प्लान ऑफ नेचर, मतलब नेचर के बनाने में डेजर्ट किस प्रकार अपना योगदान देते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे डेजर्ट हैव सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रेट प्लान ऑफ नेचर। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुत कोल्ड और हिल्स भी हो सकती हैं,
यहाँ तक लिखेंगे, मतलब इसके अंदर ओसिस भी आते हैं, डेजर्ट भी आते हैं, हिल्स एंड माउंटेन भी आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द फीचर ऑफ ओसिस, ओसिस की क्या फीचर्स होती है, क्या होता है ओसिस, तो आप लिखेंगे इसमें एनोसिस, यहाँ से लेकर आप लिखेंगे यहाँ तक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बच्चों। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, विच टू प्लेसेस हैव बी मेंशन इन द प्लेस टू डिस्क्राइब द फीचर ऑफ टेम्परेचर इन डेजर्ट, तो कौन कौन सी प्लेस की बात की गई थी बच्चों यहाँ पे, लद्दाख और थार की, तो इसमें आप दोनों के नाम लिखेंगे थार एंड लद्दाख, बस ये नाम ही लिखना है आपको इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका ये। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, अब हमारे हैं यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद अबाउट डेजर्ट, सेलेक्ट द एंड पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट टू स्टेटमेंट, तो फर्स्ट है ऑल टाइप ऑफ वेजिटेशन कैन ग्रो इन डेजर्ट, तो सभी टाइप की वेजिटेशन ग्रो कर सकती है डेजर्ट में, नहीं बच्चों वही कर सकती है जिसको मान की कम से कम रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है ऑल डेजर्ट आर वेरी हॉट हॉट प्लेसेस, तो सभी डेजर्ट क्या हॉट होते हैं, नहीं होते, क्योंकि जो लद्दाख है वो ठंडा है। नेक्स्ट है कैमल इज नोन एज द शीप ऑफ डेजर्ट, तो ये ट्रू है बच्चों कि कैमल को हम शीप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं। फोर्थ है प्लांट एंड एनिमल ऑफ डेजर्ट कैन सर्वाइव ऑन लेस वाटर, ये भी ट्रू है क्योंकि जो प्लांट और एनिमल डेजर्ट में रहते हैं वो कम पानी में जीवित रह सकते हैं। फिफ्थ है डेजर्ट इज ए हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो डेजर्ट क्या है वो भी काफ़ी स्पीसीज के लिए रहने का स्थान है, तो ये हो गया आपका बच्चों ट्रू। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ट्रू और फॉल्स कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, मैच फ्रेजेस ऑफ लेफ्ट विद द फ्रेजेस ऑन द राइट, लेफ्ट और राइट फ्रेजेस को आपको मैच करना है। तो फर्स्ट है एंडलेस स्ट्रेस ऑफ लैंड, मतलब क्या है, मिट्टी ही मिट्टी फैली होना, तो आप करेंगे इसमें यहाँ पे फर्स्ट का आप करेंगे ये नो नथिंग बट सैंड एज फार एज वन कैन सी, मतलब मिट्टी ही मिट्टी है जहाँ तक आप देख पाएंगे, तो आपको हो गया वन का आंसर। सेकेंड है वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर, मतलब जहाँ पर पानी नहीं है और जहाँ पर रहने का स्थान भी नहीं, तो ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर, नो वाटर एंड नो शेड। थर्ड है एन ओसिस, ओसिस क्या होता है, तो ये है फर्टाइल लैंड प्लेस विद वाटर एंड प्लांट इन डेजर्ट, तो आपका थर्ड को हो गया। फोर्थ का हम देखते हैं हिडन बाई कवर ऑफ ग्रास, तो इसको आप नॉट विजिबल बिकॉज अ ग्रास इज थिक, मतलब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जो ग्रास है वो चारों तरफ से ढकी हुई है, तो आपका ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन को मैच इट कर लेंगे। ठीक है, वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है बच्चों, वर्कशीट कंप्लीट करें, टीचर से चेक करें, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि बच्चों वीडियो कैसी थी, और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल ऋषभ प्रमोटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।